हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज हम लोग क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 8.4 के जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उनको समझेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। हमें 1 प्रूफ करना, मतलब अपने LHS को लेकर, ये जो हमारा इस साइड वाला हो गया ये LHS हो गया यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा जो हो गया इधर वाला ये हो गया RHS यानी राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड मिलेगा, मतलब यही हमें प्रूफ करना है। आप जिस साइड को लेकर चल रहे यानी आप LHS को लेकर चल रहे हैं तो उसी पे आपको फोकस रखना है, उसको सोल्व करना, मतलब इस तरीके से सोल्व करना है कि आपको ये LHS मिलना चाहिए, उसमें मतलब उसका कोई तर्क हो, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला यानी LHS, तो यहाँ पे हम लिखते हैं LHS, जैसे मतलब एग्जाम में हम बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे। अब आपको सीखना है तो LHS हमारा क्या है, sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a, ये हमारा हो गया LHS। तो इसी को लेकर चलेंगे तभी ना हमारा ये 1 प्रूव्ड होगा। देखिए इसमें आपको ये दिमाग लगाना है कि हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट फॉर्मूला पे टूट रहा है, और चलिए देखते हैं। यहाँ पे sec a है, आपको पता है कि sec a इक्वल टू क्या होता है, तो sec a बराबर होता है, देखिए हमें फॉर्मूला होता है एक, sec थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटे cos थीटा होता है, यानी sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा होता है। तो उसी पे हम इसको sec a को तोड़ देंगे, तो sec a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटे हम cos a लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन a, देखिए इस पे इसका कोई तर्क नहीं बन रहा है तो इसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ देंगे, जिस पे तर्क बन रहा है उसी को हम तोड़ेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस साइन a, ये जैसे है बिल्कुल वैसे तोड़ दिए, छोड़ दिए। यहाँ पे sec a, sec a को तो पता है आपको कि क्या, इसका क्या होता है, 1 बटे हम cos a इसको लिख सकते हैं क्या, और tan थीटा बराबर भी आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा, तो आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। बस इसी पे अब हम अपना ये 1 RHS प्रूफ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, तो इसको हम लिखेंगे, इसमें 1 माइनस साइन ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटे cos a। अब देखिए इसके 1 बटे cos a प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा, इसका हम LCM ले लेंगे, cos थीटा का हम LCM ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे a है थीटा के जगह पे, तो यहाँ पे cos का हम LCM लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos a कैल्सियम लेंगे तो cos a होगा, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, अब प्लस है तो प्लस, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा sin a। इतना होने के बाद इसमें जो है अब क्या करेंगे, ये इंटू में है दोनों, 1 माइनस साइन ए बटे कॉस है इंटू 1 प्लस साइन ए बटे कॉस है, तो इंटू में है तो क्या हो जाएगा, ये आपस में गुना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, एक बार हम 1 माइनस साइन ए लिखेंगे और एक बार 1 प्लस साइन ए लिखेंगे, क्योंकि इंटू में है कॉस में ए में कॉस में से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। एक बार 1 प्लस साइन है इंटू एक बार 1 माइनस साइन है बट कॉस है इंटू कॉस क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जो है हम RHS के बिल्कुल करीब है, हमें 1 प्रूफ करना है, तो हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। देखिए ये जो हमारा ये किसके रूप में आ गया, a प्लस बी, इसको हम a और b मान लेते हैं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए तो हमारा एक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या है, साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटे में कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, ठीक। अब देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, ठीक, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा कि नहीं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब आपको जब आप फॉर्मूला कुछ आपके माइंड में सेट होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो अगर हम कॉस थीटा को इधर रखते हैं और साइन को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है, साइन को उधर भेजे हैं तो यहीं पे ना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए है, देखिए दोनों बराबर है, ऊपर भी कॉस स्क्वायर है नीचे भी कॉस स्क्वायर है, तो ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा। और हमें प्रूफ्ड क्या करना था, तो हमें प्रूफ्ड एक करना था, यानी यही हमारा ये प्रूफ्ड हो गया, एक आरएसएस हमारा मिल गया। ठीक, तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है, समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया होगा। जितने भी क्लास टेंथ के एक्सरसाइज 8.4 के सिद्ध करने वाले प्रश्न है वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले भी वीडियो अपलोड है सिद्ध करने वाले, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आइए और विजिट कीजिए और वीडियो में जाकर देखिए, आपको सारे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।